हाय गाइस, मैं हूँ अंशु और स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टाइलो वेरिंग में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर ही हेयर स्पा कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और मैं बहुत ही इजी स्टेप आपको बताऊंगी जो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा है, सबसे पहले हम अपने बालों को ऑयलिंग करेंगे। तो ऑयल करने के लिए मैं यहाँ पर फिगारो का ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। आप जो भी यूज़ करते हो वो ले सकते हैं। कोकोनट का ऑयल भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिगारो का ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। हाँ, लेकिन आप ऑयल करने के पहले आप अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लें। मैंने यहाँ पर अपने हेयर को वॉश कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी जब स्पा करना ही है तो हेयर वॉश की क्या ज़रूरत। लेकिन अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो आपके हेयर एकदम क्लीन होने चाहिए, तभी अच्छे से आपका जो ऑयल है आपके बालों में एब्जॉर्ब हो पाएगा। आपको अपने बालों में जो मसाज देनी है वो कम से कम 5 मिनट्स की होनी चाहिए। अच्छे से आपके बालों के जो सेल्स हैं पीछे यहाँ आगे साइड में, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से मसाज करनी है और अपने फिर पूरे बालों को आपको मसाज देनी है। अगर आप अपने हाथों से अच्छे से नहीं कर पा रहे तो अपने घर में जो भी दीदी भाभी मम्मा जो भी हो आप उनसे भी मसाज करवा सकते हैं। अपने बालों को स्टीम देना है तो यहाँ पर मैंने ये टॉवल ली हुई है। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी टॉवल ले सकते हैं। इसको मैंने गर्म पानी से गीला कर लिया है और उसके बाद मैं इससे अपने बालों को स्टीम दूंगी, क्योंकि हमारे पास घर में मशीन तो अवेलेबल नहीं होती है, तो हम टॉवल का यूज़ करके स्टीम दे सकते हैं। कम से कम हमें जो स्टीम देनी है वो 5 से 7 मिनट तक की होनी चाहिए। तो हम ऐसे ही टॉवल को 5 से 7 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको हटा दूंगी। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल लिया है। ये पतंजलि का है। आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आप ले सकते हैं, जो भी जेल यूज़ करते हो। ये काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है, इसलिए मैं यहाँ इसी को यूज़ करती हूँ। जो हमारे बालों के लेयर हैं उनमें हम थोड़ा थोड़ा लेके ऐसे जेल को अच्छे से लगा लेंगे। और आप ये अलग ऊपर से नीचे की तरफ आपको इस तरह से लगाना है। इसको थोड़ी थोड़ी सी लेयर्स लेते जाएंगे और लगाते हैं। थोड़े में ही बहुत हो जाता है, ज़्यादा नहीं इसकी नीड पड़ती है। सारी बालों की लेयर्स में, क्योंकि ऑयलिंग तो हमने पहले से की हुई है। आपको मैं जिस तरह से आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जिस तरह से लगा रही हूँ ना, आपको वैसे ही इसको लगाना है। इसको आप लगाने के बाद 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद हम अपने बालों को वॉश करेंगे। आप जिस भी शैम्पू से कंडीशनर से बालों को वॉश करते हो, पहले शैम्पू कीजिए उसके बाद कंडीशनर कीजिए। हेयर स्पा आपको मंथ में एक बार ज़रूर करना चाहिए। हाउसवाइफ के पास टाइम तो नहीं होता है, लेकिन हमें अपने लिए भी एक दिन ज़रूर निकालना चाहिए। अगर हम पार्लर जाकर 2-3 घंटे के लिए नहीं जा सकते हैं पार्लर, तो घर में तो ये कर ही सकते हैं। आप काम भी करते जाइए अपने और साथ ही साथ ये भी करते जाइए, तो हमारे पूरे बालों में जेल लग गया है। अब 5 मिनट के बाद हम इनको वॉश कर लेंगे। फाइन
फाइनली हमारा हेयर स्पा हो चुका है कंप्लीट। और देखो हमारे बालों का, अभी ये ड्राई होने के बाद इसका रिजल्ट समझ में आएगा और अच्छे से। वैसे अभी भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है हाथ में लेकर ही। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घर में हेयर स्पा जरूर ट्राई करेंगे। मुझे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ट्राई कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।